देश की माली हालत जैसे भी हो, वो मुंबई और दिल्ली की वजह से ही है। भले ही माल्या जैसे बिजनेसमैन कर्ज लेकर देश के बाहर भाग जाते हों, लेकिन देश के अंदर अभी भी टैक्स भरने वाले बिजनेसमैन हैं, जिनके बदौलत देश की अर्थव्यवस्था चल रही है। मुंबई, दिल्ली और कर्नाटक, ये तीन राज्य भारत के ऐसे राज्य हैं जिन पर देश की अर्थव्यवस्था की नई आंख खड़ी है। पनामा पेपर लीक में बड़े बड़े कंपनियों के नाम हैं। भारत के इमेज को तो झटका लगा ही है, साथ ही भारत के बाहर भारत के पैसों की इन्वेस्टमेंट की भी बात सामने आई है। मगर ऐसा नहीं है, भारत में ईमानदारी से टैक्स भरा जा रहा है। आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं भारत के वो तीन शहर जिस पर भारत की अर्थव्यवस्था निर्भर करती है। मुंबई 2013-2014 2,39,494 crores, 2014-15 2,88,904 crore, 2015-16 3 lakh crore। दिल्ली 2013-14 88,140 crore, 2014-15 99,118 crore, 2015-16 1,01,000 crore। कर्नाटक 2013-14 59,769 crore, 2014-15 60,801 crore, 2015-16 65,302 crores। इनकम टैक्स के ये आंकड़े बताते हैं कि किस तरह ये तीन शहर ईमानदारी से टैक्स भर रहे हैं और भारतीय अर्थव्यवस्था का बोझ उठा रहे हैं।